सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्काई फोटो एडिटिंग चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्नैप से डबल एक्सपोजर फोटो एडिटिंग करने जा रहे हैं, जो कुछ इस टाइप्स की कमाल की क्रिएटिव फोटो एडिटिंग दिख रही है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। एंड कुछ मिनटों में हम कुछ इस टाइप्स की फोटो को क्रिएट करेंगे अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो वीडियो को जो है बिना टाइम पास करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। एंड ऐप ओपन होने के बाद कुछ इस टाइप से दिखेगा, तो प्लस ले पे जो टैप करेंगे एंड यहां से हम अपने एक सिंपल फोटो जो ऐड कर लेंगे अपनी स्नैपसीड के एप्लीकेशन के अंदर। एंड यहां से हम पेंसिल वाले आइकन पे जो टैप करेंगे एंड नीचे की ओर स्लाइड करनी है। एंड यहां पास आपको जो दिख रहेगी विंटेज, तो उसे एक बार टैप कर लेना है। एंड यहाँ पास आपको बहुत सारे फिल्टर देखने को मिल जाएंगे, तो हम लास्ट वाले फिल्टर को जो ऐड करेंगे। एंड यहाँ से स्क्रीन को जो हम नीचे की ओर स्लाइड करके जो ब्राइटनेस दिख रहा होगा उसे जो हम लो कर देंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। एंड ऊपर की ओर सेचुरेशन पे आ जानी है एंड इसका जो सेचुरेशन है पूरा माइनस कर देनी है। एंड पूरी माइनस होने के बाद हम डन करेंगे। एंड यहाँ पास एरो वाले ऑप्शन जो दिख रहा होगा उसे एक बार टैप करने के बाद व्यूज एड इस पर आ जानी है। एंड विंटेज पे जो एक बार टैप करने के बाद ब्रश वाले ऑप्शन पर आ जानी है, ठीक है। एंड यहाँ पास इन्वेट वाले ऑप्शन पर जो टैप कर देना है। एंड यहाँ से क्या करना है गाइस, यहाँ पास आपको जो विंटेज जीरो दिख रहे होगा तो फोटो को जो हम हल्का सा जूम करेंगे, ठीक है ना। एंड फोटो पे जो हम अपने ब्रश को मार के जो जहाँ पास ब्लैक एंड वाइट रखना है वहाँ पास हम बैकग्राउंड पे जो ऑलरेडी ब्लैक एंड वाइट है एंड अपने पर्सनल फोटो को जो हम इरेज कर देंगे इस टाइप से। तो वीडियो को मैं जो थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, तो बारीकी से करते हैं। सो हमारी फ़ोटो जो इरेज हो चुकी है एंड यहां से हम इस फोटो को जो डन करेंगे एंड बैक पर आ जानी है। एंड ये आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से होने के बाद फिर से जो पेंसिल लाइकिंग पर आ जानी है, नीचे को स्लाइड करनी है एंड वाइट बैलेंस पे जो टैप कर देना है। एंड यहां से टेम्परेचर को जो आपको माइनस कर देना है, -8 पर रखेंगे। एंड ये होने के बाद हम डन करते हैं। एंड आप ओके, एंड ये फोटो कुछ इस टाइप्स की एडिट हो गई है। अब क्या करना है, इस फोटो को जो हम पहले इस फोटो को सेव कर लेंगे, तो इस फोटो को जो सेव कर लेता हूँ मैं। एंड आप देख सकते हैं फोटो सेव हो चुकी है। एंड इसके बाद क्या करना है, एंड इसके बाद पेंसिल वाले आइकन पे जो टैप कर देनी है एंड नीचे की ओर स्लाइड करनी है। एंड यहाँ से डबल एक्सपोजर पर जो एक बार टैप कर देना है। यहाँ से हम ऐड कर लेंगे अपने फोटो को जो स्नैपशीट में सेव किए थे, ठीक है ना। तो इस फोटो को जो मैं ऐड कर लिया हूँ एंड यहाँ पास थर्ड नंबर पर कैपेसिटी दिख रही होगी, तो इसे क्या है आपको जो माइनस कर देने हैं जिससे कि हमें इरेज करने में आसानी पड़ेगी। तो इसे मैं कुछ इस टाइप से पहले बैकग्राउंड को दिखा देता हूँ एंड दोनों उंगली से करने के बाद इसे जो पीछे की ओर फिट कर देना है कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से जूम करके जो फिट कर देना है अपने हिसाब से ही करिएगा। एंड इसके बाद कैपेसिटी पर जो इसका जो पूरा लो कर देंगे हम इस टाइप से लो कर देंगे, ठीक है। एंड कुछ इस टाइप से डन करने के बाद फिर से जो हम एरो वाले ऑप्शन पर आ जानी है एंड यहाँ से व्यू एड इस पर आ जानी है। एंड डबल एक्सपोजर पे जो ब्रश वाले आइकन पे जो टैप करने हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ से फिर से जो हम इन्वेट पे जो एक बार टैप कर देंगे एंड इस फोटो को जो हम जूम करेंगे एंड आप देख सकते हैं हमारा डबल एक्सपोजर जो जीरो पर है, जीरो ब्रश। एंड फोटो पर जो मैं अपना ब्रश मार के दिखा देता हूँ कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करनी है, हमें जो ब्रश जो है नीचे की ओर से मारनी है कुछ इस टाइप से, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से जो मार देनी है, फिर साइड साइड से मार देनी है कुछ इस टाइप से। फिर हल्का सा जो फोटो को जूम करेंगे एंड हमारे बॉडी में जो उस फोटो का जो बॉडी पे हमारे दिख रहे हैं तो उसे भी हम इरेज कर देंगे कुछ इस टाइप से। एंड आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से इरेज हो रही है। तो बारीकी से जो हम पहले इरेज कर लेंगे इस फोटो को कुछ इस टाइप से। ओके, एंड कुछ इस टाइप से इरेज होने के बाद डन कर देनी है। एंड यहाँ से डबल स्पोर पे टैप करेंगे एंड थ्री डॉट पे जो दिख रहा होगा उसे जो टैप कर देनी है, ठीक है ना। एंड यहाँ से कैपेसिटी पे जो टैप करेंगे एंड यहाँ से कैपेसिटी को जो इंक्रीज कर देनी है कुछ इस टाइप से। एंड देख रहे होगे कि बैकग्राउंड में कुछ इस टाइप से दिख रहे होगे, तो उससे कुछ दिक्कत नहीं होगा, डन कर देना है। एंड यहाँ से आप बैक आ चले आ जाना। एंड आप देख सकते हैं हमारा फोटो कुछ इस टाइप से एडिट हो गई है।
ठीक है। एंड आप देख सकते हैं इस टाइप से जो एडिट हो गई है। एंड ये हो जाने के बाद फिर से जो हमें आ जानी है अपनी पेंसिल वाले आइकन पे, एंड यहाँ से डबल एक्सपोजर पे जो आ जानी है। एंड यहाँ से फिर से जो हम अपने एक पीएनजी को जो ऐड करने जा रहे हैं इस ऐड फोटो पर, तो मैं अपने पीएनजी लाइट को जो ऐड कर लिया हूँ। एंड यहाँ से बीच वाले ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जो टाइप करनी है, एंड यहाँ से हम ऐड कर लेंगे इस फोटो को, पीएनजी को सॉरी, ठीक है। एंड यहाँ से हम कैपेसिटी को भी जो हल्का सा फिट कर देते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। फिर कैपेसिटी को हल्का सा लो कर देंगे इस टाइप से, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं इस फोटो को जो मैं डन कर लूँ, एंड कुछ इस टाइप की फ़ोटो दिख रही है। तो फिर से हमें क्या है, पेंसिल वाले आइकन पर आ जानी है, नीचे को स्लाइड करनी है, एंड टोन इमेज पर आ जानी है, एंड यहाँ से नीचे की ओर स्लाइड करनी है, सैचुरेशन को जो इंक्रीज़ कर देनी है ठीक है, कुछ इस टाइप से प्लस 11 पे रखेंगे। एंड अब यहाँ से आप देख सकते हैं फोटो कुछ इस टाइप्स की एडिट हो गई है। तो इस फोटो को जो मैं सेव कर लेता, अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिली है तो इस वीडियो को जो है लाइक कर देना, अगर पसंद आती है फोटो जो है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड ऐसी वीडियो नेक्स्ट टाइम मिलती रहती है, एंड लाते रहता हूँ मैं।